हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सही होंगे। मैं ऋषिकेश जैन आपका इस यूट्यूब चैनल आरजे पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आपके लिए मैं बीएससी बीए के रिगार्डिंग न्यूज लाता रहता हूँ। और हम आज बात करने वाले बीएससी सेकंड ईयर या बीए सेकंड ईयर, स्पेशली हम बात करने वाले जीजीटी यूनिवर्सिटी की। बच्चों के रोज फोन कॉल्स वगैरह डेली आते हैं कि सर टाइम टेबल कब आएगा, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, हमारा सिलेबस क्या रहेगा, इसके अंदर हम कैसे क्या करना पड़ेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का, इन सब चीजों से लेकर हम आज बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। जीजीटीयू ने फाइनली आज शाम को आपका टाइम टेबल अपलोड कर दिया है सेकेंड ईयर वालों के लिए। सेकेंड ईयर में बात करें तो बीए का जो टाइम टेबल हमारे पास आया है वो 8 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक इनके एग्जाम चलेंगे। और जहां बात करते हैं बीएससी और बीकॉम की बात करते हैं तो उनका जो टाइमिंग रहेगा, जो टाइम रहेगा 11 अक्टूबर से लेकर आपके जो एग्जाम चलने वाले हैं 22 अक्टूबर तक चलेंगे। तो ये तो रहा कि आपके एग्जाम की डेट, और एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो आप वेबसाइट पर जाकर, जीजीटीयू की वेबसाइट पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब करना क्या है आपके अंदर इस एग्जाम में, क्या करना है अपन को, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी कि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स पर रहेगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स का मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन देंगे, आपको एक भरना और आंसर लिख देना। ठीक है जी, क्या करना है आपको, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपके तीनों पेपर दिए जाएंगे। जैसे अगर अपन साइंस सेगमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पेपर होते हैं, तीनों के लिए आपको 1-1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 3 पेपर दिए जाएंगे, उनको आपको सोल्व करना है। ठीक है जी, अब होगा क्या, मान लेते हैं कि अगर आपका पेपर 70 नंबर का पेपर है तो आपको 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको 35 करने, मतलब आधे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें 50-50 नंबर के 3 पेपर होते हैं। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पेपर के अंदर आपको 50 में से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 50 में आपको करने कितने, 25 करने। ठीक है जी, और ऐसे जैसे अपन किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का कोई पेपर है तो आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको आधे करने होंगे। ठीक है, तो आपको कुल मिला के करना के आधे ऑब्जेक्टिव अटेंड करने हैं और आधे के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी, आपको आधे से ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर आपने 50 नंबर का पेपर है और आपने 50 क्वेश्चन दिए हैं और आपने 50 के आधे 25 करने थे और आपने 30 कर दिए, तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो पहले जो 25 आ रहे हैं उसको चेक करेगा। ठीक है ना, तो लास्ट के जो 5 जो आपने करे वो कोई काम आने वाले नहीं है, इसलिए आपको मैक्सिमम आधे क्वेश्चन अटेंड करने, आधे से ज्यादा नहीं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।